आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, जैसे हमें गर्मी लगती है और हम चाहते हैं कि हम कहीं शांत एरिए में बैठें, कहीं ठंडक हो, ऐसे ही ये तितलियाँ भी देखिए कैसे यहाँ बैठी है हमारे गार्डन में, इस मधुमालती की बेल के बिल्कुल पास। बहुत धीरे से मिला रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए। ये देखिए, दूर से हल्की हल्की कोयल की कूक की आवाज आ रही है। और ये देखिए, मैं जैसे पॉली बैग्स में भी लगा देती हूँ कुछ कटिंग्स। और यहाँ पर देखिए, छोटी सी वाइन है ये फूलों वाली, ये देखिए, ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है, उस पर ये बैठी है देखिए यहाँ, और साथ में है ये देखिए फूल। पर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। मधुमालती कटिंग से लगाने वाला एक बहुत खूबसूरत एक प्लांट है जो वाइन का रूप ले लेता है। आप चाहें तो इसकी इसको एक पेड़ की तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि सीधी स्टेम रखिए और कटिंग करते रहिए और एक सपोर्ट दे दीजिए और एक पेड़ की तरह भी बन सकता है। ये देखिए, ये मधुमालती की बेल का ये स्टेम है, तना। और मैं क्योंकि प्रूनिंग करती रहती हूँ तो ये देखिए तितली उड़ गई है, डिस्टर्ब हो गई। ये देखिए, अब दूसरी आई है। इतनी तितलियां हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ कुछ। ये देखिए, आप अगर लगाना चाहते हैं तो एक पेंसिल जितनी कटिंग लीजिए। और ये देखिए, जहां पर नोड होती है वहां से एक आधे इंच नीचे तक कट करके, जैसे ये जहाँ पत्ता है ये वाला मैं हिला रही हूँ, इसके नीचे आधा इंच नीचे तक आप इसको कट कर दीजिए कलम की तरह। और फिर उसको थोड़ा शहद या एलोवेरा लगा दीजिए, जो घर में अगर प्लांट है तो, या रूटेक्स पाउडर लगाकर मिट्टी में दबा दीजिए। और फिर देखिए आप, कमाल, बहुत इजी टू ग्रो ये एक प्लांट है। और बहुत तेज़ धूप हो, गर्मी हो, और ये सर्दियों में भी फूल देते रहते हैं, बस थोड़े दिन के लिए ही रेस्टिंग में जाता है प्लांट, लेकिन साल भर फूल देता ही रहता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो। और शहरों का मुझे इतना अनुमान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 2-3 बार तो फूल ये देगा ही देगा, क्योंकि जब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है तब भी फूल आते हैं और सर्दियों में भी फूल आते हैं। ये देखिए, और पास से थोड़ा दिखाती हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक दीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, और मैं सिर्फ गोबर की खाद इसमें डालती हूँ। ये देखिए कितने भरे हुए हैं, देखिए बाहर तक, बाउंड्री वॉल के बाहर तक भी देखिए, अब ये बाहर है, बाहर भी सब भरे हुए हैं। फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।